गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 50 करेंगे। एक्सरसाइज 50 में 1 से 7 तक लास्ट वीक हमने कंप्लीट कर लिया था। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, इसके फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिए थे आपको। आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मोहन बोरोड ₹400 फ्रॉम हिज फ्रेंड। ही इज़ एग्री टू रिटर्न द मनी आफ्टर 4 years with an interest at the rate of 5% per annum. How much amount will be paid? तो इसमें क्वेश्चन है कि मोहन ने अपने एक दोस्त से ₹400 लिए, ठीक है, कितने साल के लिए लिए? उसने बोला कि 4 साल के बाद वो वापस करेगा उसको 5% हर साल के इंटरेस्ट पर annum। एक साल में वो 5% वापस करेगा, इस तरह से 4 साल के बाद वो पैसे वापस करेगा। तो कितने पैसे उसको वापस करने होंगे? प्रॉब्लम है, लिख लो आप इस तरह से स्टेटमेंट। ₹400 उसने लिया था। ये जो 400 है ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट लिख लेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू 400। कितने साल के लिए लिया? टाइम हमारा क्या है? 4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक है। तो हमें पहले निकालना क्या है? SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, PRT डिवाइड बाय 100। इसको निकालने के बाद हम अमाउंट निकालेंगे। P कितना है? 400 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16 16 5 जा 80। 4 साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ₹80। तो हमारा अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट जो वापस करेगा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है, चेक कर लेना। 400 प्लस ₹80, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ₹480। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। इफ़ ₹6,000 आर डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पर ईयर, हाउ मच टोटल ₹ विल बी रिसीव्ड बैक आफ्टर 3 years। तो एक आदमी डिपॉजिट किया है ₹6,000 3 साल के लिए, 10% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 साल के बाद उसे कितना टोटल वापस मिलेगा? सेम हम निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारा इसमें 6,000 है। इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। आपको मैं स्टेटमेंट लिख के फिर भी बता देती हूँ कितना डिपॉजिट के प्रिंसिपल क्या है हमारा इसमें अमाउंट। ₹6,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%, टाइम 3 years। ऐसा ही निकालेंगे, ₹6,000 × 3 1,800 हो गया इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस SI
6000 प्लस 1800 इतने पैसे उसको 3 साल के बाद वापस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पूजा डिपॉजिटेड 750 रुपीज इन द बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट इन 5 ईयर्स। तो इसमें हमें अमाउंट नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ऐसा ही निकालना है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारा टाइम है। तो हम क्या करेंगे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100 और जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविता लैंडेड 4000 रुपीज़ टू चारू एट द रेट ऑफ 12%। सरिता ने 4000 रुपये लिए चारू से 12% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। हाउ मच विल अमाउंट विल बिकम आफ्टर 5 ईयर्स। इसमें आपको सेम करना है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट से आप SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद अमाउंट निकालेंगे। जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसमें 4000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, इसके बाद जो आपका इंटरेस्ट आएगा, आंसर आएगा, उसमें आपको 4000 रुपीज़ प्लस करना है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग करिए, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताती हूँ दूसरे वीडियो में।